गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। आज फिर से आपका स्वागत है नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है सॉल्यूशन। जैसे कि आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा है, सॉल्यूशन होता क्या है कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सर। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यहां हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं होमोजीनियस। तो होमोजीनियस होता क्या है? होमो मतलब सेम, और जीनियस होते फेज। होमोजीनियस मतलब वो मिक्सर जिनके सेम टाइप के फेज होंगे। तो मिक्सर्स होते हैं क्लासिफाई किए गए टू पार्ट्स में। जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा, एक होते हैं होमोजीनियस और दूसरे होते हैं हेटरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सर ये वो टाइप के मिक्सर होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। और हेटरोजीनियस मिक्सर जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन के होते हैं। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जैसे कि वाटर प्लस शुगर, मिक्सर है वाटर और शुगर का। अब फिजिकल रूप से वाटर और शुगर को अलग नहीं कर सकते मिक्सर के अंदर से, इनके जो कंस्टिट्यूंट पार्टिकल है वाटर के और शुगर के अलग नहीं किए जा सकते, तो इनको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर, क्योंकि इनकी कंपोजिशन वो यूनिफॉर्म है, सेम टाइप के है। दूसरा है वाटर प्लस सैंड, एक मिक्सर लिया जिसके अंदर पानी और मिट्टी मिलाई, अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट के लिए रख दिया उसको। 5 मिनट के बाद क्या होगा कि जो वाटर के पार्टिकल हैं वो तो कंटेनर के ऊपर होंगे, और जो पार्टिकल है मिट्टी के वो होंगे कंटेनर के नीचे। तो इनकी जो कंपोजिशन है वो होगी नॉन यूनिफॉर्म, इसलिए इनको बोलते हैं हेटरोजीनियस मिक्सर। तो मिक्सर जो दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस और दूसरा हेटरोजीनियस। जो होमोजीनियस मिक्सर होते हैं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के, उनको बोलते हैं सॉल्यूशन। अब आते हैं सॉल्यूशन के कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स मतलब सॉल्यूशन जिनसे मिलकर बनाए। जो कंस्टिट्यूंट पार्टिकल है सॉल्यूशन के वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सॉल्यूट और सेकंड होते हैं सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट और दूसरे सॉल्वेंट। जस्ट कोई सॉल्यूशन है वाटर और शुगर का, इस सॉल्यूशन में क्या है कि जो पानी है वो है लार्ज अमाउंट में, और दूसरा जो चीनी है वो है स्मॉल अमाउंट में। वाटर लार्ज अमाउंट में होता है सॉल्यूशन, और शुगर वो स्मॉल अमाउंट में। ये एग्जांपल एक सॉल्यूशन का। अब इस सॉल्यूशन के अंदर दोज पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट आर कॉल्ड सॉल्वेंट। जो लार्ज अमाउंट के पार्टिकल उनको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो स्मॉल अमाउंट के पार्टिकल उनको बोलते हैं सॉल्यूट। तो डेफिनेशन क्या होगी सॉल्वेंट की?
सॉल्वेंट आर दोज पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट उनको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं सॉल्यूट। तो वाटर और शुगर के सॉल्यूशन में वाटर जो है वो सॉल्वेंट पार्टिकल और जो शुगर है वो होंगे सॉल्यूट पार्टिकल। तो जो हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन, इस चैप्टर के अंदर हम टर्म यूज करेंगे ए सॉल्वेंट के लिए, मतलब सॉल्वेंट को ए से यूज करेंगे और सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे बी से। तो कंप्लीट चैप्टर में जहाँ भी ए दिखाई दे उसका मतलब सॉल्वेंट है, और जहाँ कंप्लीट चैप्टर में बी दिखाई दे उसका मतलब है सॉल्यूट। अब इससे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेस पर। एक होते बाइनरी सॉल्यूशन, एक होते हैं ट्राइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी या टर्टनरी। नेक्स्ट होते हैं क्वार्टनरी, और एक होते हैं पोलिनरी। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो हमारे सॉल्यूशन है वो क्लासिफाई किए गए चार पार्ट्स में, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्टनरी सॉल्यूशन, क्वार्टनरी सॉल्यूशन एंड फोर्थ है पोलिनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते भाई? बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं दोज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विच आर कंटेन्स, बाई मीन्स टू, विच आर कंटेन्स ओनली टू पार्टिकल्स, वन सॉल्वेंट पार्टिकल एंड वन सॉल्यूट पार्टिकल। जैसे कि पानी और चीनी का सॉल्यूशन बताया था, सॉल्वेंट पार्टिकल वाटर है, सॉल्यूट पार्टिकल शुगर। तो ये एक बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल। नेक्स्ट हमारा टर्टनरी सॉल्यूशन, टर्ट मतलब थ्राइस। तो टर्टनरी सॉल्यूशन वो होंगे जिनके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वो तीन होंगे, जैसे कि वाटर प्लस शुगर और इनके साथ मिला दिया साल्ट। तो ये होगा भाई टर्टनरी सॉल्यूशन। टर्टनरी सॉल्यूशन के इसी साथ साथ क्वार्टनरी सॉल्यूशन जिनके टोटल अमाउंट होगी पार्टिकल्स की फोर, और पोलिनरी सॉल्यूशन होते हैं जिनके अमाउंट ऑफ पार्टिकल दो से ज्यादा होती है, मतलब टर्टनरी और क्वार्टनरी को पोलिनरी सॉल्यूशन भी बोलते हैं या इनसे ज्यादा होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट चार टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, बाइनरी, टर्टनरी, क्वार्टनरी और पोलिनरी। इसके बाद होते भाई एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन होते हैं दो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट पार्टिकल। आगे जो कंसेंट्रेशन के न्यूमेरिकल मिलेंगे उनके अंदर तुम्हें दिया गया मिलेगा, जैसे कि KMnO4 का एक्वस सॉल्यूशन है। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो पानी है। तो जहाँ भी एक्वस सॉल्यूशन मिले उसके अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल लेने, पानी। और इसी टाइप से दूसरा होता भाई नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन होते हैं इन विच वाटर इज नॉट सॉल्वेंट पार्टिकल, जिनके अंदर पानी सॉल्वेंट पार्टिकल है एक्वस सॉल्यूशन,
और पानी सॉल्वेंट पार्टिकल नहीं होंगे, वो थे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। और तीसरी टाइप है क्लासिफिकेशन की, डिपेंड करती नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। सॉल्वेंट पार्टिकल, सोल्यूट पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल ले रहे गैसेस, लिक्विड और सॉलिड। गैसेस कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट ले रहे, एक बार लेंगे गैस, एक बार लेंगे लिक्विड और एक बार लेंगे सॉलिड। तो ऐसा सॉल्यूशन लेना है जिसके अंदर गैस तो सॉल्यूट हो और गैस ही सॉल्वेंट हो। फॉर एग्जांपल एयर, जो एयर होती है, एयर के अंदर नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, इसके साथ साथ अंदर कई गैसें होती हैं। तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो भी गैस है, ऑक्सीजन है वो भी गैस है। तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैसेज नेचर के हैं उनको बोलते हैं गैसेज सॉल्यूशन, गैसेज सॉल्यूशन। दूसरे होते हैं लिक्विड, लिक्विड तो लेने हैं सॉल्यूट पार्टिकल और गैसेज लेने हैं सॉल्वेंट पार्टिकल। ह्यूमिडिटी, थर्ड लेने हैं सॉलिड और गैसेज, जिनके अंदर सॉलिड हो सॉल्यूट और गैसेज है सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल स्मोक, स्मोक जो होता है उसके अंदर सॉलिड होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं गैसेज। अब टाइप है लिक्विड की, लिक्विड के अंदर मिलाने गैसेज, लिक्विड और सॉलिड। गैसेज लेने हैं सॉल्यूट पार्टिकल और लिक्विड लेने हैं सॉल्वेंट पार्टिकल। जितने भी कार्बोनेट ब्यूरेज होते हैं, लाइक एज अपने जो कोल्ड ड्रिंक है उनके अंदर गैसेज पार्टिकल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो हाई प्रेशर के साथ मिक्स की जाती है लिक्विड के साथ। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं लिक्विड सॉल्स होते हैं। लिक्विड सॉल्स के अंदर सॉल्यूट जो होते हैं गैसेज पार्टिकल होते हैं और जो सॉल्वेंट होते हैं लिक्विड पार्टिकल्स। सेकेंड नंबर पे आता है सॉल्वेंट पार्टिकल तो लेने लिक्विड और सॉल्यूट पार्टिकल लेने लिक्विड, वाटर प्लस एल्कोहल। एल्कोहल लिक्विड होते हैं, वाटर लिक्विड। लिक्विड का लिक्विड के अंदर जो सॉल्यूशन होगा उसको बोलते हैं लिक्विड सॉल्ट्स। थर्ड होते हैं सॉलिड पार्टिकल लेने हैं सॉल्यूट के, शुगर, और सॉल्वेंट पार्टिकल लेने हैं लिक्विड, वाटर। इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं जिनके अंदर सॉल्यूट होते हैं सॉलिड और सॉल्वेंट होते हैं लिक्विड। अब होते हैं सॉलिड सॉल्ट्स। सॉलिड सॉल्ट्स उनके बोलते हैं जिनके अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो सॉलिड होंगे और सॉल्यूट पार्टिकल गैसेज भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। अब सॉल्यूट पार्टिकल ले रहे हैं सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल ले रहे हैं सॉलिड। सॉलिड को सॉलिड के अंदर मिलाना है। नाइन्थ और टेंथ क्लास में तुमने पढ़े हैं अलॉयज, मिश्र धातुएं, जिनके अंदर एक मेटल या दूसरी नॉन मेटल लेके मिक्स करते हैं और जो मेटल मेटल की जो मिक्सर है उसको बोलते हैं अलॉयज। और अलॉयज जो होते हैं वो सॉलिड सॉल्ट्स होते हैं, मतलब अलॉयज के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट
बोथ आर सॉलिड। अब उसके बाद लिक्विड ले रहे हैं सॉल्यूट पार्टिकल और सॉलिड ले रहे हैं सॉल्वेंट पार्टिकल। सॉल्वेंट पार्टिकल सॉलिड लेने हैं, लिक्विड लेने हैं सॉल्यूट पार्टिकल। तो अमलगम अमलगम जो है एक अलॉय जो होती मरकरी की, मरकरी की अलॉयज है अमलगम। और मरकरी पता है सभी को लिक्विड होती रूम टेम्परेचर में, तो मरकरी के अंदर दूसरी धातु के साथ सिल्वर मिला के और अमलगम बनाते हैं। अब अमलगम जो है लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन, जिसको सॉलिड सोल्स बोलते हैं। और थर्ड टाइप आती भाई गैसेस, गैसेस लेने हैं सॉल्यूट पार्टिकल और सॉलिड लेने हैं सॉल्वेंट पार्टिकल। आयोडीन, आयोडीन का किसी भी मेटल के साथ मिक्सर, एग्जाम्पल है गैसेस सॉलिड सोल्स का। इससे आगे हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से पहले आप सभी को कैलकुलेट करने आने चाहिए मोलिकुलर मास, अब मोलिकुलर मास होते क्या हैं? मोलिकुलर मास आपने 9th-11th क्लास में पढ़े, मोलिकुलर मास होते हैं द टोटल सम ऑफ एटॉमिक मास, द टोटल सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम इन ए मोलेक्यूल और कंपाउंड। टोटल सम, सम मतलब ऐड करने हैं, द टोटल सम ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का ऐड करना है ऑफ ईच एटम, जितने भी एटम दिए हुए इन मोलेक्यूल और कंपाउंड। फॉर एग्जांपल एक वाटर मोलेक्यूल ले रहे हैं हम H2O, मोलेकुलर मास कैलकुलेट करना है। तो मोलेकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए अब इसमें टोटल एटम, दो तो हाइड्रोजन के एटम है और एक इसके अंदर ऑक्सीजन का एटम है, तो इन दोनों के लेना है एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पढ़ा आपने 16, 2 + 16 = 18। 18 जो है मोलेकुलर मास है वाटर के एक मोलेक्यूल का। तो इस टाइप से मोलेकुलर मास कैलकुलेट करने से पहले आप सभी को याद होने चाहिए एटॉमिक मास, कम से कम 20 तक एलिमेंट के।